हे गाइस, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को धूप दिखाया था ना, इतना ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा हाई कि उसके बाद मेरा व्लॉगिंग करने का दिल ही नहीं किया। मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा गर्मी था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे व्लॉग पर धमाकेदार स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं 10, सिर्फ और सिर्फ 10। मेरा फेस देख के आप लोगों को लग रहा है कि अभी 10 बज रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी कर दिया है ना इधर कि मैं बता नहीं सकती। बाबा रे, बहुत गर्मी है। और सुबह ही उठ गई थी मैं, 7:15 में उठ गई थी। जैसे कि कल लाइन तो था बट इतना ज़्यादा गर्मी था, मे बी 45 डिग्री इधर गर्मी था और बर्दाश्त करने लायक नहीं था। बहुत ही ज़्यादा ओवर, बहुत ही ज़्यादा। तो न छत पे नींद आ रहा है, नीचे रूम पे नींद आ रहा है। मतलब पागलों जैसा हाल कल हो गया था। 2 बजे रात तक बस ऊपर नीचे हो रहा था। छत जाती हूँ तो गर्मी लगता है, नीचे मतलब छत जाती हूँ तो हवा नहीं चलता, नीचे आती हूँ तो पंखा का हवा नहीं लगता। बताइए, ऐसा हाल हो गया था ना कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर लास्ट पे मैंने क्या किया कि नीचे आई, सोई थोड़ा, अब लाइन चला गया। इतना ज़्यादा गर्मी कि लग रहा था पागल ही हो जाऊंगी। तो फिर मैं छत गई और वहीं पे सो गई, हवा अच्छा चल रहा था। तो फिर सुबह मैं आई, बस आई हूँ आई और फिर मतलब 7:30 बजे आई। अभी 10 बज रहा है। इतना गर्मी लग रहा है, इतना गर्मी लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। ओ गॉड, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं जा रही हूँ, नहाऊँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। पहले नहा के आता है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हे गाइस, तो अभी जस्ट नहा करके आए। इतना गर्मी है कि भी बाहर झाड़ रहे, देखिए आप लोग चोटी कर रहे हैं। बिना चोटी किए कोई उपाय नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सोचो क्लचर लगा लूँ बट नहीं, चोटी किए बिना नहीं रह पाऊँगी। तो चलिए बाल झाड़ते हैं, मतलब चोटी करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। नहाने के बाद तो और पसीना आ रहा है, नहीं नहाया था तो कुछ ठीक ही लग रहा था, नहाने के बाद और गर्मी लग रहा है। बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त के बाहर है। चलिए गाइस, पहले छोटी छोटी करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर दीजिए आप लोग। तो अभी छोटी छोटी कर ली गाइस, फ्री हो गए, बार बार मैं जा रही हूँ अपना, थोड़ा तो रिलैक्स मिल रहा है। इसको भी छोटी कर लिया ना, उसको भी मोड़ मार के क्लचर लगा ली। ज़रा भी बाल चढ़ता है ना शरीर में, इतना लगता है गुस्सा क्या कर ले, इतना ज़्यादा टॉर्चरिंग लगता है। चले जाते हैं, कुछ खाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, 11 बज रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं खाया मैंने, बस चलिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया गाइस तरबूज, आप लोग देख सकते हो। मम्मी अभी ला के थी, बाल में झाड़ रही थी तभी। अब इसको खाएंगे और तो मुझे यहाँ पे तरबूज मिल गया गाइस, मम्मी भी अभी ला करके अब इसको खाते हैं, तो थोड़ा राहत मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतना ना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। बाबा जी, आप लोग के घर साइड कितना गर्मी है कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत ही ज़्यादा। तरबूज तो मस्त है, काफ़ी मीठा अच्छा भी लग रहा है खाने में। चलिए इसको खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। खाते खाते कितना बात करें, अच्छा नहीं लगता। आप खा के मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, इतना ज़्यादा गर्मी है ना गाइस, क्या बताऊँ। अभी आप लोगों को इधर का वेदर दिखाऊँ, देखिएगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतना ज़्यादा गर्मी हो रखा आज। मतलब हवा चल रहा है थोड़ा बहुत बट गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। उतना भी नहीं लग रहा, उतना भी हवा नहीं चल रहा कि आदमी रिलैक्स कर सके, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से इधर का भी कैसा वेव है। ठीक है, इधर का देखिए ये कैसा भी हो रखा है।
ठीक है, बहुत खराब दुर्दशा है, बहुत गर्मी बाबा रे। हे गाइस, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को धूप दिखाया था ना, इतना ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा हाई कि उसके बाद मेरा व्लॉगिंग करने का दिल ही नहीं किया। मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा गर्मी था, मैं नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी था बाबा रे। 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया था इधर उस टाइम, मतलब पागल लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी था। अभी थोड़ा मौसम ठंडा किया है तो अच्छा लग रहा है। अब देखिए क्या होता है, बिजली पूरा चमक रहा, लगता है बारिश होगा कि क्या होगा पता नहीं। तो मेरे साथ बाबू भी आया है, मैं आज इसको भी लेकर के आई थी, सोचा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी ही, तो क्यों ना इसको भी ले जा करके बैठाऊँ अपने पास, तो इसको भी रिलैक्स मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मक्खी लग रहा पता नहीं। थोड़ा आइसक्रीम मैंने इसे खिला दिया था, इसीलिए जा रही हूँ। कपड़ा इसका चेंज वगैरह करवा दूँगी भाभी से बोल करके, तो इसको भी रिलैक्स मिलेगा, ये भी सो गया। मैं इसीलिए इसे लेकर के आई ना कि सुबह से रोते हैं बेचारा, सुबह से रो रहा है, इसीलिए तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी भाभी खाना बना रही थी और मम्मी अपना काम कर रही थी, तो इसको कौन रखेगा, इसको मैं रख रही थी। अब ये रह ही नहीं रहा था, इतना रो रहा था कि बार बार भाभी पास जाना चाह रहा था। तो लास्ट में मैंने इसे अपने पास संभाला, सोचा कि व्लॉगिंग क्या है, व्लॉगिंग आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन ये मेरा सोना गर्मी से परेशान था, इसके कारण मैंने इसे पहले संभाला, ये इम्पोर्टेंट समझा और इसे संभाला ताकि इसे अच्छा लगे। तो अभी क्या बताऊँ, मैं थोड़ा इसे आइसक्रीम वगैरह खिलाया तो इसे रिलैक्स मिला, वरना ये इतना रो रहा था कि बाबा रे बता नहीं सकती मैं। पानी वानी पिलाते रहना पड़ता है तब इसे चैन मिलता है। तो चलिए गाइस, पागल लग रहा है एकदम गर्मी से। आप लोग बताइए कैसा गर्मी है, देखिए सुन रही है ना बिजली कैसे चमक रहा है, देखिए इधर का टेम्परेचर, आप लोग देखिए देखिए देखे ना आप लोग। तो चलेगा आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो आप लोगों के बीच में आती रहे। और ब्लॉग पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।